अब वो दिन दूर नहीं जब आप माता वैष्णो देवी यानी कटरा रेलवे स्टेशन से श्रीनगर बारामूला तक का सफर रेल से कर पाएंगे। जम्मू से उधमपुर होते हुए कटरा रेलवे स्टेशन तक और घाटी में संगलदान से बनिहाल होते हुए श्रीनगर बारामूला के बीच भारतीय रेल पटरियों पर दौड़ रही है। अब जल्दी ही कटरा से रियासी होते हुए संगलदान तक रेलगाड़ी दौड़ाने की योजना है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं कटरा से श्रीनगर रेल लिंक परियोजना के धरातल पर। कैसा होगा ये सफर, क्या रही भारतीय रेल की चुनौतियां और क्या रहा भारतीय रेल की उपलब्धि। ये पूरा करीब करीब 272 किलोमीटर लंबा सेक्शन है, उसमें से जो वैली का पोर्शन था करीब करीब 161 किलोमीटर, ये तो पहले कमीशन हो चुका है डिफरेंट स्टेजेस में। जो बस्ता था 111 किलोमीटर जो कटरा से लेके बनिहाल तक का, ये सेक्शन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और डिफ़िकल्ट था क्योंकि हिमालयन टेरेन को हमको क्रॉस करना था और ये काफ़ी डीप गॉर्जेस के गहरी घाटियों का सेक्शन है और हिमालय जैसा कि हम जानते हैं यंग माउंटेन्स है, उसकी स्टेबिलिटी उतनी नहीं है, तो उसके अंदर से ड्रिलिंग करना, एक्सकवेशन करना और रेल लाइन को बिछाना एक बहुत ही दुर्गम और बहुत ही चैलेंजिंग काम था। ये जो रेल लाइन बनी है ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी देगी, 12 महीने इस पर कनेक्टिविटी रहेगी, ट्रेन का आवागमन चालू रहेगा, इसलिए श्रीनगर विंटर में या रेनी सीजन में जो रोड से डिस्कनेक्ट हो जाता था वो रेल से हम कनेक्टिविटी देंगे। इसमें इससे श्रीनगर को भी बहुत फायदा होगा। हम इस वक्त टनल वन के अंदर खड़े हैं, जिस टनल पर काम जारी है। आप देख सकते हैं टनल का काम किस तरीके से होता है और कितना कठिन काम है। इस टनल की देखिए खासियत, जो इसके सॉइल है, जो रॉक है, पानी किस तरीके से गिरता है और ऐसे में इसके मलबे को निकालना, ऑक्सीजन की व्यवस्था, इसकी कटिंग करनी, इसका ब्लास्ट, इसके अंदर का ब्लास्टिंग जो है, प्लस इसके साथ साथ जो कंक्रीट का काम है, इसके साथ साथ कंक्रीट का काम आप देख सकते हैं कि इस तरीके से कंक्रीट का काम किया जाता है। बड़े बड़े जो है मशीन लगाई जाती है उसके द्वारा एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है। ये कब तक ही पूरा होगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नॉर्दर्न रेलवे के डिप्टी इंजीनियर अभिषेक जी, उनसे हम बात करते हैं। अभिषेक जी, क्या ये इतनी परेशानी क्यों हुई इसमें? देखिए, इसमें परेशानी इसलिए हुई कि यहाँ का जो मटेरियल है वो इतना फाइन है कि वो पानी, आप देखेंगे पानी के साथ बिल्कुल घुल जाता है ये मटेरियल। तो जब इसमें हम खुदाई करते हैं तो अगर कहीं पे कैविटी बनी है तो इतना पानी के साथ इतना फ्लो आता है कि फिर उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। जैसा कि 2017 में यहाँ पे फ्लो आया था, उस टाइम 20,000 MQ के आसपास फ्लो आया था, फिर छोटी छोटी कैविटी बाद में भी होती रही जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई। अभी हम लोग जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ भी पिछले 2-3 बार कैविटी आ चुकी है। लास्ट जनवरी में आई थी कैविटी, उससे पहले जुलाई में आई थी कैविटी पिछले साल। तो इसको हमको बड़ा सावधानी के साथ करना पड़ रहा है। तो हमारा अभी इस टनल में जो मेजर पार्ट है, हम लोग हेडिंग, हम ऊपर वाला पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं और अभी हम नीचे वाले पार्ट के लिए पूरा कोशिश कर रहे हैं कि उसको जितना जल्दी हो सके कंप्लीट कर पाएँ। अभी हमारे पास बेंचिंग हमारा करीब 100 मीटर बचा हुआ है नीचे वाला पोर्शन। तो आप ये कह रहे हैं जो ये नीचे का लेयर है, हाँ, ये सिर्फ 100 मीटर है, ये 100 मीटर बचा हुआ है। उस ये जो कंक्रीट है ये दोनों साइड से कितना कम, ये दोनों साइड से हमारा 325 मीटर बचा हुआ है और ये दोनों साइड से चल रहा है। इधर से 3.2 किलोमीटर का ये टनल है, आप बता रहे हैं कि सिर्फ 100 मीटर का ये जो बेंचिंग है ये रह गया है और जो ये कंक्रीट का जो आपका काम है ये सिर्फ 325 मीटर का रहेगा। हाँ, 3.2 किलोमीटर के टनल में, हाँ, 3.2 किलोमीटर टनल में 325 मीटर का हमारा कंक्रीट लाइनिंग बचा हुआ है। अभी कब तक कंप्लीट हो जाएगा? मोस्ट प्रोबेबली अगस्त के एंड तक ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 2-3 महीने का और इंतजार कीजिए, इस इंतजार का फल इतना मीठा होने जा रहा है जो सारे देश के साथ साथ घाटी के लोगों को भी मिलेगा। सफर में आगे चलते हैं और देखते हैं टनल 2, जिसे अब टनल 34 के नाम से जाना जाता है। तकरीबन 5 किलोमीटर लंबे सुरंग का काम पूरा किया जा चुका है।
मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि टनल टू के अंदर का जो काम है, पूरे टनल का कंक्रीट का काम ले आप, या फिर इसके अंदर जिस तरीके से जो सेफ्टी मेजर्स को किस पूरा किया गया है वो कंप्लीट किया जा चुका है। जो ट्रैक का पटरियों का काम है वो यहाँ पर मेरे साथ देख सकते हैं, यहाँ पर पटरियों का काम जो है उसे पूरा किया जा चुका है। इस टनल की लाइफ की बात करें तो रेलवे का दावा है कि 120 सालों तक इस टनल की मजबूती पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ट्रेन की स्पीड की बात करें तो फिलहाल इस पर 80 से 100 किलोमीटर के बीच में जो बात की जा रही है कि इस पर ट्रेन जो है इस टनल के अंदर से होकर गुजरेगी। टनल की लंबाई की बात करें तो तकरीबन 5 किलोमीटर लंबी ये जो है ये टनल है जो कि बिल्कुल कम्प्लीट है। ये है अंजी ब्रिज जो अंजी नदी के ऊपर बना है। ये भारतीय रेल का या यूं कहें देश का केबल ब्रिज है। ब्रिज के ऊपर चलने वाली तेज हवाओं के बहाव को कंट्रोल करने के लिए इस ब्रिज पर हवाई जहाज की तरह ही एरोडायनामिक्स का उपयोग किया गया है। इसकी खासियतों की बात करें तो अगर इसकी हम ऊंचाई की बात करें तो इसकी इसका जो पायलन है वो 193 मीटर ऊंचा है। अगर रिवर वेट से बात करें तो रिवर वेट से टॉप ऑफ पायलन जो है 331 मीटर का, यानी 331 मीटर आप समझ सकते हैं कि इसकी ऊंचाई कितना है रिवर वेट से। दो टनल के बीच में ये बना हुआ है और इसके साथ साथ इसमें 25 एक्सेल टन का जो लोड है, यानी कि जो रेलगाड़ी है 25 एक्सेल टन जो इंडियन रेलवे का स्टैंडर्ड वजन की जो माप है उसको ये ले जाने में सक्षम है। 120 साल की इसकी जो है लाइफ है। स्पीड की अगर बात करें गति की तो इस पर तकरीबन 100 किलोमीटर की रफ्तार से जो है वो ट्रेनें फर्राटा भर सकेंगी। तीन सौ इकतीस मीटर ऊंचे इस भारत के पहले केबल ब्रिज की एक बड़ी खासियत है कि इसमें वाइब्रेशन ना हो, इसके लिए जब ट्रेन चलेगी तो डैम्पर का टेक यूज किया गया है ताकि जो वाइब्रेशन को वो कंट्रोल कर सके। साथ साथ चूंकि इसकी हाइट इतनी ज़्यादा है तो इस पर जो हवा का की गति है वो काफ़ी ज़्यादा रहेगी, उसके लिए 213 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस पर जो है इसको इस स्ट्रक्चर को बनाया गया है, इस केबल ब्रिज को बनाया गया है कि 213 किलोमीटर की जो रफ्तार भी होगी तब भी इस ब्रिज को कुछ नहीं होगा। भारत की पहली रेल केबल ब्रिज के बाद हम पहुंचते हैं इस रेल लिंक प्रोजेक्ट के सबसे ऊंचे रेलवे स्टेशन रियासी। भारतीय रेल द्वारा निर्मित इस रेलवे स्टेशन से शहर का नजारा देखते ही बनता है। सुरक्षा की दृष्टि से इस रेल प्रोजेक्ट के सभी रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा बलों के लिए बैरक का भी निर्माण किया गया है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि कटरा से बनिहाल के बीच तकरीबन 87% सुरंग है, जबकि 6% ब्रिज है और बाकी सामान्य रेल लाइन। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर भारतीय रेल ने 3 किलोमीटर से लंबी सभी सुरंगों के साथ सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एस्केप टनल का भी निर्माण किया है। हमारे साथ है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट के CAO और इस पूरे प्रोजेक्ट के इंचार्ज संदीप गुप्ता जी, उनसे हम जानेंगे इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में। ये जो रेल लिंक है उधमपुर से लेकर के बारामूला तक जो जा रहा है इसके बारे में सर सबसे पहले बताइए कितना रेलवे के लिए कितना बड़ा चैलेंज था और क्या इसमें जो है टेक्निकल जो आप लोगों ने इसमें काम किया, टेक्नोलॉजी किस तरह की यूज़ की गई? देखिए ये बहुत बड़ा, बहुत ही पोस्ट इंडिपेंडेंस ऐसे माउंटेन्स हैं हिमालय में, सबसे बड़ा एक चैलेंजिंग प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। ये 272 किलोमीटर लॉन्ग है। ये उधमपुर से स्टार्ट होकर के
श्रीनगर होते हुए बारामूला तक जाता है। इस 111 किलोमीटर में 97 किलोमीटर सिर्फ टनल है, यानी कि 87% से हम टनल के अंदर रहेंगे। और फिर हमारे पास मेगा ब्रिजेस हैं, उस ब्रिजेस की लेंथ अगर हम ऐड कर लेते हैं वो 7 किलोमीटर हो जाती है, तो ओपन का एरिया सिर्फ 7 किलोमीटर बैलेंस बचता है। 2016 मई के बाद ही करीब 90% काम कटरा बनिहाल सेक्शन का हुआ है। अगर मैं मोटा मोटा बताऊँ आपको तो ये 34,000 करोड़ का काम एस्टिमेटेड है, कम्प्लीशन कॉस्ट है, जो कटरा और बनिहाल का 111 किलोमीटर का है। उसमें हमने 2015 या 14 से पहले हार्डली 500 करोड़ का काम किया था। उसके बाद अभी तक मैं जो अभी लेटेस्ट फिगर है करीब 32,500 करोड़ हम खर्च कर चुके हैं। वो 32,000 करोड़ अपने 2015-16 के बाद खर्च करे हैं। 2002 में यह नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर हुआ और काम आप बता रहे हैं कि 2014-16 के बाद से काम ने स्पीड पकड़ी। मोटा मोटा यह समझ लीजिए कि 2014 से पहले हमने इस सेक्शन में मुश्किल से 10% काम किया था। आज की तारीख में जो कटरा से बनिहाल 111 किलोमीटर बचे हैं, इसमें से 94 किलोमीटर हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद आता है बक्कल रेलवे स्टेशन, जिससे थोड़ी दूर पर स्थित है भारत की शान, नए भारत की पहचान, विश्व की सबसे ऊंची रेल आर्क ब्रिज, जिसे चेनाब नदी के ऊपर बनाया गया है। चेनाब नदी के ऊपर बना ये चेनाब ब्रिज कुतुब मीनार से 5 गुना और फ्रांस में स्थित एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। एक 1315 मीटर का ब्रिज है, जो एक आप राइट साइड में देख रहे हैं, ये वायडक्ट पोर्शन है 530 मीटर का, और लेफ्ट साइड में ये पूरा आर्च का स्पैन है, ये 785 मीटर का बनता है। तो इसमें जो आर्च है वो 467 मीटर की आर्च है। ये प्रोबेबली वर्ल्ड की सबसे लंबी आर्च है, सबसे ऊंचा पुल तो है ही ये, तो ये वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे आर्च ब्रिज है। ये 359 मीटर है रिवर बेड से डेक तक, रेल लेवल तक, और इसके नीचे जो चेनाब रिवर है उसकी एवरेज डेप्थ 15 मीटर बनती है। तो ये उस हिसाब से सबसे विश्व का ऊँचा आर्च रेलवे ब्रिज है। जो कह सकते हैं सर, इसे कुतुब मीनार या एफिल टावर से ऊंचा, अगर हम स्टैटिस्टिकल पर्पस से कंपेयर करें तो कुतुब मीनार 72 मीटर का है, ये 359 मीटर ऊंचा है। एफिल टावर भी इससे 35 मीटर नीचे है उस हिसाब से देखा जाए तो। इस ब्रिज का जो मेन काम है, जो फिजिकल वर्क है सुपर स्ट्रक्चर का, जो आप आर्च पे देख रहे हैं, वो राइट साइड पे देख रहे हैं, जो अपने डेक को लॉन्च किया है या आर्च का काम है, ये सारा 2014 के बाद काम शुरू हुआ है। 4 साल में आर्च का काम पूरा हुआ। फिर जो ये डेक है, डेक की लॉन्चिंग का काम करा, जो हमें गोल्डन जॉइंट कहते हैं डेक, हमने पूरा कंबाइन किया, वो अगस्त 22 में हमने काम कर लिया। जो ट्रैक का काम है वो अभी पिछले 1 साल हमने पूरा कर लिया। दुर्गम और भौगोलिक चुनौतियों के बीच इस रेल ब्रिज को बनाने में भारतीय रेलवे को सबसे बड़ी सफलता मिली इन 4 क्रेन से, जिसके जरिए पूरे आर्क का निर्माण किया गया। चुनौतियां ऐसी कि इस ब्रिज पर हवा की रफ्तार कई बार बहुत ज्यादा होती है, लेकिन सीआरएस ने इस पर 100 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेन का ट्रायल पूरा कर लिया है और इस पर 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रेलगाड़ी दौड़ाने की मंजूरी भी दे दी गई है। आज भारतीय रेल के इस दमखम धमक को पूरी दुनिया बहुत गौर से देख रही है। इस ब्रिज से घाटी के सफर में आगे आता है दुग्गा रेलवे स्टेशन। पहाड़ों की गोद में बने सुरंग से हम आगे चलते हैं और पहुंचते हैं सावलकोट रेलवे स्टेशन। रियासी रेलवे स्टेशन के बाद इस पूरे रेल लिंक प्रोजेक्ट के अंदर जो है ये दूसरा सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन आप इसे कह सकते हैं, जिसपे कि जो सबसे आप कहिए कि सबसे ज़्यादा चुनौती इसी रेलवे स्टेशन को बनाने में भी। सावलकोट जो स्टेशन है वो सबसे रिमोट लोकेशन पे लोकेटेड है और इस लोकेशन की
सबसे जो चुनौती है वो ये है कि इस पर एक सिर्फ एक छोटा सा प्लेट्यू है, एक उस प्लेट्यू पे काम करना और मल्टीपल एजेंसीज़ को हैंडल करना और प्लस मल्टीपल वर्क्स को उसमें आपस में कोऑर्डिनेशन बनाना एक सबसे बड़ी चुनौती थी। प्लस ये आपका चिनाब ब्रिज से लगभग हमें कोई 50 किलोमीटर की रोड यहाँ बनानी पड़ी इस लोकेशन को पहुँचने के लिए, क्योंकि ये लोकेशन सबसे इनर मोस्ट है, तो हमें यहाँ पहुँचने के लिए और उस पहुँचने के बाद 2019 में ही यहाँ पे बेसिकली काम शुरू हो पाया। तो 2019 से हमने बेसिकली 24 तक 4 साल 5 साल में इस पूरे एरिए को पूरा ही एकदम रेडी डेवलप किया, जिसमें कि एक मेजर ब्रिज है 250 मीटर का, टनलिंग है जिसमें कि लगभग आपकी 750 मीटर की टनलिंग है और प्लस उसके ऊपर एक BLT ट्रैक है जो हमने ले किया। इस रेल रिंग प्रोजेक्ट का फायदा न सिर्फ इस पर सफर करने वाले यात्रियों को होगा बल्कि भारतीय रेल ने इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए 260 किलोमीटर से ज्यादा का सड़क नेटवर्क का भी निर्माण किया है, जिसका सबसे ज्यादा फायदा यहां के स्थानीय निवासियों को हो रहा है। कभी सोचा नहीं जा सकता था कि यहां की, अगर आप आज से 5 साल पहले देखते तो सिर्फ ये पहाड़ी नजर आता, आज यहां पर एक आपको स्टेशन नज़र आ रहा है, यहाँ पर ट्रैक नज़र आ रहा है, टनल नज़र आ रहा है, काफ़ी कुछ है। स्थानीय लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीत सिंह है और मैं यहाँ का लोकल हूँ। लोकल है। हाँ, और हम ये उम्मीद नहीं कर सकते थे, हम तकरीबन यहाँ से 60-70 किलोमीटर पैदल जाते थे। रेलवे के आने से वजह से हमें यहाँ बहुत फ़ायदा हुआ, यहाँ का रोज़गार हमें मिला, हमें बहुत बेनिफिट मिला यहाँ से रेलवे की वजह से। रोजगार भी मिला और आपको यहाँ पर, आप बता रहे हो पहले 50-60 किलोमीटर पैदल जाते, यहाँ से पैदल जाते थे, हमारे जो फादर दादा वगैरह यहाँ से रियासी तक पैदल ही जाते थे, यहाँ से रियासी तक यहाँ कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं थी यहाँ पे। पहले तो कुछ भी नहीं था, जैसे कि रोड नहीं था तो स्कूल मेडिकल कोई फैसिलिटी यहाँ पे नहीं थी। यहाँ से लोग जैसे पढ़ने के लिए रियासी पैदल जाते थे, अब यहाँ रेलवे की वजह से रोड आया है तो यहाँ पे स्कूल हैं, घर घर लोगों ने पक्के मकान बनाए हुए हैं, हर चीज़ की अब फैसिलिटी है। और अब तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट का धन्यवाद करते हैं जो ये हमारा रेलवे स्टेशन बना है, इससे तो बहुत फ़ायदा है यहाँ पे लोगों को। अब यहाँ से जब इतनी मुश्किल होती थी हमें रियासी जाने के लिए, तो अब हम आधे घंटे में रियासी पहुँच सकते हैं। मैं बहुत थैंक यू और बहुत ही शुक्रगुजार हूँ DD न्यूज़ का कि आज यहाँ आप आए और रेलवे की वजह से इतना प्रोजेक्ट आया, सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से हज़ारों की तादाद में जॉब मिला हमें, यहाँ की रोड की एक्टिविटी मिली हमें, पानी बिजली स्वास्थ्य की सुविधा मिली हमें, हम बहुत शुक्रगुजार हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के और नॉर्दर्न रेलवे के कि हमें यहाँ साधन, यहाँ हमें कुछ नहीं मिलता था, यहाँ से हमें दो दो दिन लगते थे रियासी जाने के लिए, आने जाने के लिए, अब आधे घंटे में यहाँ से रियासी जाते हैं। सावलकोट के बाद आता है संगलदान रेलवे स्टेशन, जो रियासी से लेकर बनिहाल के बीच सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। संगलदान रेलवे स्टेशन यानी कि कटरा से लेकर के बनिहाल के बीच का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन। 4 प्लेटफॉर्म है इस रेलवे स्टेशन पे और दोनों साइड टनल है। अगर इस प्लेटफॉर्म स्टेशन की बात करें तो दोनों साइड टनल है और इस टनल के बीच में 950 मीटर का ये पूरा प्लेटफॉर्म है, जिस पर कि यार्ड भी बनाया गया है। 4 पटरियां जा रही हैं और ये पूरे इस कटरा बनिहाल के बीच का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन भी है। बात अगर करें इस स्टेशन की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 फरवरी 2024 को यहाँ से बारामूला तक के लिए जो है ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था श्रीनगर के अपने कार्यक्रम के दौरान, और बनिहाल से लेकर के जो है संगलदान तक, बारामूला तक जो है वो अब रेलगाड़ी यहाँ पर रोजाना चलती है। 2 मेमू ट्रेन यहाँ से जो है बारामूला के लिए रोज जाती है और 2 मेमू ट्रेन रोज आती है, यानी कि इस स्टेशन की शुरुआत हो चुकी है। दो और इस पर अगर यात्रियों की बात करें तो बड़ी संख्या में लोग जो है ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं। यहाँ के जो लोकल हैं उनको बताया जा रहा है कि यहाँ पर जब ट्रेन आती है तो खचाखच भीड़ से बड़ी होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल 20 फरवरी को बनिहाल से संगलदान के बीच रेल सफर को हरी झंडी दिखाकर शुरू किया था। संगलदान से आगे है भारतीय रेल की सबसे लंबी सुरंग जो 12.77 किलोमीटर लंबी है। संगलदान से श्रीनगर तक के सफर पर अब हम आपको लिए चलते हैं घाटी में चलने वाली रेलगाड़ी से। स्थानीय लोगों के लिए भारतीय रेल की ये सौगात
उनके लिए कितना बड़ा पैगाम है ये उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग के अंदर, जिसे T-50 भी कहा जाता है। संगलदान से बनिहाल के बीच में ये सुरंग मौजूद है और हम इस वक्त इसी रेल के अंदर मौजूद हैं जो संगलदान से बनिहाल की ओर। आप देख सकते हैं कि इस ट्रेन के चलने के बाद परिस्थितियां कैसे बदली है श्रीनगर की घाटी की, जो पूरा जब ये रूट पर संगलदान से लेकर के बारामूला तक जो ये पूरी ट्रेन चलती है। और इस ट्रेन का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि जो लोकल लोग हैं, जो शहरी क्षेत्र के अलावा जो ग्रामीण इलाकों में रहते थे, उनके लिए एक बड़ा लाइफलाइन साबित हुआ है। कुछ लोग भी हैं यहाँ पर, काफ़ी पैसेंजर बैठे हैं, उनसे हम बात भी करेंगे। कहाँ जा रहे हैं आप? सर, हम जा रहे हैं श्रीनगर, और सबसे पहले हम हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का हम शुक्रिया अदा करते हैं, और उसके साथ साथ रेलवे मिनिस्टर, और उसके बाद जिन लोगों ने इस रेलवे प्रोजेक्ट में काम किया, चाहे मैनेजिंग कमेटी हो या हमारे मजदूर जिन्होंने अपने खून पसीना बहा के इस मुल्क के लिए अपने आप को फख्र समझकर इस रेलवे लाइन को कामयाब किया। और हमारी अपने मुल्क के प्रधानमंत्री और रेलवे के मिनिस्टर से गुजारिश रहेगी कि हमें यहाँ मजीद ट्रेनें दी जाएँ। मोदी जी का हम बहुत शुक्रगुजार है, क्योंकि गरीब लोगों को इसको बहुत फ़ायदा है। पहले जो था कि 4-5 घंटे हमें गोल से श्रीनगर जाने को लगते थे, अब तो 2 घंटे में सफ़र पूरा हो जाता है। कितना का टिकट लगा आपको? 30 रुपये का। 30 रुपये का टिकट में आप श्रीनगर पहुंच रही हैं, 30 से 40 रुपये का आप संगलदान से पहुंच रही हैं। अच्छा, ट्रेन आने से क्या परिवर्तन आया? बहुत परिवर्तन आया, हमें बहुत सहूलियत हुई ट्रेन में चढ़ने की। हमें जहाँ 2 घंटे लग, जो हमें 1 दिन लगता था जाने में, वहाँ हमें 2 घंटे पे हम पहुँच जाते हैं, और आसानी भी बहुत आ गई है। रोड बंद होता था, हम बहुत परेशान होते थे, हम कब पहुँचेंगे, कब जाएंगे, कई मजबूरी काम होता था तो हम नहीं जा सकते थे, इसलिए ट्रेन के आने से हमें बहुत से आराम मिल गया। जो कनेक्टिविटी रेल में है ना, सबसे कम्फर्टेबल रहता है इसमें। एक तो जो आपने खुद कहा है, जो ऑल वेदर कनेक्टिविटी है, 12 महीने हम जो ऑलरेडी यहाँ रोड बंद होते हैं, जाम्स होता है, रास्ते में काफ़ी सारी परेशानी लोगों को उठाने पड़ते, इसे ऑल वेदर हमारी कनेक्टिविटी, हमारा टाइम बच जाता है, हमारा पैसा बच जाता है। बट इसमें सबसे बड़ी चीज़ हमें जो ध्यान देना पड़ेगा, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी हमें। पहले से हम देखें तो मतलब जम्मू एंड कश्मीर सिंगल रोड से कनेक्ट था, तो जितनी कनेक्टिव बढ़ जाएगी ऑफकोर्स उतने वो जो रोज़गार के साधन बढ़ जाएंगे। उसके अलावा मतलब बहुत सारी फैसिलिटीज़ आएगी, और जो कॉमन पीपल थे उनको आने जाने में जो दिक्कत आती है, उनके इकोनॉमिकली वो भी आराम से आ जा सकते हैं। दूसरी बात की जो आपने कहा कि ये टूरिज़्म, ऑफकोर्स अभी तक जितने भी टूरिस्ट आया करते थे, उनका किराया, उनका टाइम, वो जो रास्ता बहुत कठिन रास्ता है, इट्स वेरी हैक्टिक टू यू नो कम बाई रोड फ्रॉम जम्मू टू श्रीनगर। नाउ दिस विल बी कम्फर्टेबल, रेलवे इज़ ऑलवेज इकोनॉमिकली यू नो स्टेबल फॉर द कॉमन पीपल ऑल्सो। बनिहाल, सुंबर, अनंतनाग होते हुए ये ट्रेन अब चल पड़ी है श्रीनगर बारामूला की तरफ, जहां खिड़कियों के बाहर है जन्नत का नजारा। खूबसूरत वादियों, छोटे बड़े कस्बों से होकर गुजरता हुआ ये ट्रेन पहुंचता है श्रीनगर रेलवे स्टेशन, जहां यात्रियों का सबसे ज्यादा फुटफॉल है। यहां से ये रेलगाड़ी बारामूला के लिए चल पड़ती है। समय की बात करें तो फिलहाल जम्मू से श्रीनगर तक जाने में सड़क से तकरीबन 8 से 10 घंटे का वक्त लग जाता है, वहीं भारतीय रेल के जरिए अब ये सफर महज 3 घंटों में पूरा होगा। अभी यहां चल रही रेलगाड़ियों की बात की जाए तो किराया 10 रुपए से लेकर 50 रुपए मात्र है। दूसरी बड़ी बात, ऑल वेदर कनेक्टिविटी, यानी गर्मी हो या बरसात या सर्दी, रेल से घाटी तक का सफर लगातार जारी रहेगा। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये रेल लिंक प्रोजेक्ट जम्मू और घाटी के लिए किसी माइलस्टोन से कम नहीं है। दूसरी भाषा में कहें तो लाइफलाइन, जिससे न सिर्फ घाटी में व्यावसायिक गतिविधियां, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि सामरिक दृष्टि से भी भारत के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।